Hey, what's up everyone and welcome back to another amazing episode of Raving Miles. तो guys, आज हम लोग एक review करने वाले हैं Sony के तरफ से आया हुआ ECM LV1, जो कि लगभग आपका प्राइस पॉइंट आता है आपका 2090 rupees, जो कि बहुत ही महंगा है और वन ऑफ द बेस्ट माइक है मोटो व्लॉगिंग के लिए. और ये ऑफर के दौरान आपको मिल जाएगा आराम से 1500 से लेकर 1800 तक मिल जाना चाहिए. ऑनलाइन प्राइजेस आप रिसेंटली मतलब चेक कीजिएगा, ऑफर के दौरान चेक कीजिएगा, तो आराम से आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा. तो इसका एक खास चीज़ है कि ये नॉइस कैंसलेशन रखता है और माइक कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हो. यहाँ पे हम लोग को एक मफलर दिया जाता है एंड साइज़ आप देख सकते हो. यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्रांडिंग मिल जाता है, सोनी का ब्रांडिंग है. यहाँ पे फोकस नहीं ले रहा है, एक सेकंड, फोकस अच्छे से ले. तो यहाँ पे देख सकते हैं सोनी का यहाँ पे ब्रांडिंग है और माइक नॉर्मली मतलब काफ़ी बड़ा है. और यहाँ पे स्टीरियो माइक भी है, ये लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ है. तो इसको पटापट मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे हम लोग रखते हैं, फिर आपको सुनाऊंगा कि कैसा इसका साउंड आएगा. और फिलहाल के लिए जो आप साउंड सुन रहे हो ये है मोनो का, जो कि आराम से आपको 450 rupees में मिल जाएगा. क्या ये वर्थ रहा मेरा 1800 का माइक लेने का, वर्थ होगा कि नहीं, चलिए एक बार चेकआउट करते हैं. पहले जल्दी से जल्दी हेलमेट में एक बार सेटअप कर देते हैं. तो गाइस, अभी आ चुके हैं हम लोग अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे और करेंटली जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो आप सोनी के माइक से सुन रहे हो. और बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो वीडियो है ईयरफोन या हेडफोन लगा के सुनना, तभी आपको वॉइस क्वालिटी में डिफरेंस आपको पता चलेगा. नहीं तो नॉर्मल जो फ़ोन से देखोगे तो इतना खास आपको अंतर मालूम नहीं चलेगा. और मैं ये नहीं चाहता कि आप ऐसे ऑडियो को सुन के एक माइक में इन्वेस्टमेंट कर दो जो कि बहुत ही महंगा है. एंड गाइस, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दो. अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है. आप लोग के सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं होने वाला है. तो चलिए गाइस, जल्दी से जल्दी दबा के शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो. करेंटली डाइवर्जर इज क्लोज एंड स्पीड इज़ अराउंड 30, 38, 40. चलो इसको पहले क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद एक बार स्पीड में चला के देखते हैं कि कितना नॉइज़ आपको आ सकता है. और मैंने जो ये माइक है प्लेसमेंट चिन के पास रख के आया हूँ मैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो रेसिंग वाला वीडियो था, ड्रैग रेस का वीडियो था, उसमें मतलब वॉइस थोड़ा सा कम आ रहा था. और ये कहाँ से आ रहा है यार, वॉइस थोड़ा सा कम आया. तो चलिए देखते हैं, मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि सामने से एक बार चिन में रखना, फिर देखना कैसा सही वॉइस आएगा. तो चलिए देखते हैं. तो होपफुली विंड नॉइज ज़्यादा आना नहीं चाहिए और स्पीड भी अभी कम है. थोड़ा सा क्लीन हाईवे मिलने से स्पीड भी बढ़ा के देखता हूँ. चलिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में देखते हैं. नॉइज़ कैंसिलेशन का कैसा इसका उपयोग होगा वही देखना चाहता हूँ. 85-86 पे आ रहा है अभी, 70 पे भी है. मिक चला रहा हूँ. लाइक अगर आप मिक चलाओगे टोरिंग के दौरान आपका कैसा ऑडियो ये दे सकता है वही मैं एक बार देखना चाहता हूँ. और फिर भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा विंड नॉइज़ हुआ उसका भी एक सोल्यूशन है, ज़रूर बताऊँगा, वो भी मैं कर लूँगा और आपको आपके साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा ये चीज़. तो अभी देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली हम लोग 70 पे जा रहे हैं, 70-80 का कॉन्स्टेंट हम लोग मेंटेन कर रहे हैं. देखते हैं कैसा ऑडियो आता है, ये तो एडिटिंग के टाइम ही मालूम चलेगा मुझे कि कितना कैसा ऑडियो मिल सकता है. 80-90 पे हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, अभी 90 हम लोग क्रूज कर रहे हैं, 90 पे क्रूजिंग चल रहा है. ऑडियो देखते हैं कैसा आएगा. और आपके माइंड में अगर कुछ भी वीडियोज़ का सजेशन है तो, और किसी प्रोडक्ट का आप रिव्यू देखना चाहते हो तो वो भी आप ज़रूर से ज़रूर सजेस्ट कर सकते हो. अगर होगा तो पर्सनली मैं ज़रूर बनाने का ट्राई करूँगा. और
और गाइज अगर आप इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो वो भी फॉलो कर सकते हो। सामने आपका यूज़र आईडी तो दिखाई दे ही रहा होगा, पॉपअप हुआ ही होगा 70 का। चलिए अभी हम लोग ने वाइज़र क्लोज करके तो मतलब वीडियो तो बना दिया है, अभी देखते हैं वाइज़र ओपन करके हम लोग का कैसा इसका साउंड हमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइज अभी हम लोग का जो वाइज़र है वो ओपन हो चुका है और विंड तो काफ़ी आ रहा है, लाइक मुंह पे भी डायरेक्ट विंड आ रहा है और स्पीड लाइक अराउंड 40-50 हम लोग मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक है यहाँ पे। आपको कैसा आ रहा है आप एक बार बताइएगा। और ट्रैफिक में भी थोड़ा सा राइड कर रहा हूँ ताकि आपको ये भी अंदाज़ा हो कि इसका जो आसपास का नॉइस कितना पकड़ता है, ये भी मेरे को देखना है। मोनो का माइक है वो काफ़ी ज़्यादा साउंड पकड़ता है, आसपास का जो सराउंडिंग है वहाँ से ज़्यादा नॉइज़ पकड़ता है, तो ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं आता क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए क्रिप्स क्वालिटी ऑडियो चाहिए, प्लस बस मेरा ही आवाज़ हो ऐसा चाहिए। हाँ चलो अभी थोड़ा सा स्पीड देंगे बाइक को, 70, 80 तक हम लोग क्रूज कर रहे हैं, देखते हैं ऑडियो कैसा आता है। 90 लिटरली गाइस 90 में हम लोग क्रूज कर रहे हैं और देखना चाहता हूँ ऑडियो कैसा आएगा। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, और बताना कि इसका वर्थ है कि नहीं। तब तक गाइस आपको कमेंट्स में एक ही चीज़ मेंशन करना है कि हम लोग 1700 इस माइक पे स्पेंड करना वर्थ रहेगा कि नहीं, बस इतना ही बताना। और बाकी तो अगर आप मोनो का कंपैरिजन दिखना चाहते हो इस सोनी का माइक से वो भी मिल जाएगा, अगर बोया का भी देख सकते हो, देखना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, माइक सब अवेलेबल है आपके भाई के पास। तो जस्ट यू हैव टू जस्ट कॉमेंट और ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो आएगा ही। तो चलिए गाइस मिलते हैं एक दूसरे अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय गाइस, सायोनारा साइनिंग ऑफ।